सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सर जिम में। सो गाइस, आज को हम बात करने वाले कि गाइस, अगर आप अपने फ्लिपकार्ट में कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर दें लेकिन आप उस ऑर्डर हिस्ट्री को रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो गाइस अपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर हिस्ट्री को रिमूव कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। तो गाइस आज की समय में आपको सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले, करके दिखाने वाले। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप अपने फ्लिपकार्ट से अपने सो यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री को आप रिमूव कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। तो गैस आपको अपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए गैस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन करना है। ओपन करने के बाद में गैस आपको क्या करना पड़ेगा, गैस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन हो रहा है सर्च बार का, तो आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद में गैस आपको सिंपली नीचे आना। नीचे आने के बाद में गैस आपको नीचे एक ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे गैस आपको अकाउंट का, तो आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। तो गैस जैसे आप ऐसे अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद में गैस आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस आपके सामने अगला इंटरफेस इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पे माय यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप ऐसे एड्रेस पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद में गाइस आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस आपके सामने पे माय एड्रेस का जो ऑप्शन है इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो गाइस अब आपको सिंपली यहाँ पे देख सके आप जितने भी प्रोडक्ट आप अपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए सभी प्रोडक्ट यहाँ पे इस तरीके से शो हो जाएगा। तो देख सके हमें एक शूज ऑर्डर किया, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पे देख सके हम जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इसका पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पे कहीं पे भी गाइस यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन शो नहीं है, तो अपनी से मतलब है फ्लिपकार्ट ऑर्डर हिस्ट्री को आप कैसे डिलीट करेंगे, यहाँ पे गाइस कहीं पे भी आपको डिलीट करने का ऑप्शन शो नहीं रहा, तो आप इसको डिलीट कैसे करेंगे। इसके लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपके होम स्क्रीन पे भी गाइस कहीं भी आपको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं शो रहा है। लेकिन गाइस आपको यहाँ पे फिल्टर पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप फिल्टर पर क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं आप फिल्टर पर जैसे क्लिक करेंगे तो गाइस आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन गाइस आपको यहाँ पे कहीं पर भी डिलीट या रिमूव का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप अपने फ्लिपकार्ट ऑर्डर हिस्ट्री को आप रिमूव कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। तो गाइस अगर आप अपने फ्लिपकार्ट ऑर्डर हिस्ट्री को रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आप अपने फ्लिपकार्ट में जो ईमेल आईडी अपडेट किए हैं आप अपने ईमेल आईडी को चेंज कर देंगे, तो गाइस आपका जो फ्लिपकार्ट का यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने ईमेल आईडी को अपडेट करना है, आपका वहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस जैसे आप अपने ईमेल आईडी को अपने फ्लिपकार्ट में अपडेट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वहाँ से आपका ऑर्डर हिस्ट्री रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस अपने ऑर्डर हिस्ट्री को आप रिमूव कर सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है। सो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों आप ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलेगा इस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।